हेलो एवरीवन, आई एम आहाना वर्मा फ्रॉम स्टेट हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट ऊना, विलेज लोअर डंगेड़ा। आई एम इन सिक्स क्लास स्कूल डीएवी सेंटनरी पब्लिक। माय मोस्ट फेवरेट हॉबी इज डांसिंग। Myself, R.L. Patak, Principal, DV Centre in Public School, Ona. Today, it's a matter of pride for all of us that one of our students, Ahana, she selected for the dance competition, Kisme Hai Kitna Dam, and she has qualified the four rounds here. Now, she's in the finals, and she's one of the lovely students here. Her passionate about this dancing is commendable. I have a short interaction with her here. Her role models is her father's and mother's here. And she's inspired a lot from the teachers also in the school premises. We'll be trying our level best to provide a congenial environment so that she can excel in this field here. After qualifying four rounds, I wish my entire team, DV Unna, wish her all the best for the final rounds here. मैं राजेश आंगरा, DV स्कूल उन्ना से, आहना का 6B में इंचार्ज। आहना वर्मा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है हमारा, ठीक है, जिसने डांस में किसमें कितना है दाम में पार्टिसिपेट किया। उसने हमारे फर्स्ट फोर राउंड जो है वो फर्स्ट राउंड जो है उसमें आगे सिलेक्ट हो गई है। अब वो फाइनल राउंड में जा रही है। वो बहुत अच्छी स्टूडेंट है, तो उसका जो बिहेवियर है बच्चों के साथ बहुत अच्छा है। सभी बच्चों के साथ वो अच्छे से रहती है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि फाइनल राउंड में वो
स्कूल का नाम रोशन करिया। मैसेल्फ देवेंद्र सिंह ऑफ डीएवी स्कूल ऊना, और मुझे पता चला है कि इसमें कितना है दम में। हमारे स्कूल की विद्यार्थिन आहना डांस में 4 राउंड पार कर चुकी है, और उसके लिए मैं 5वें फाइनल राउंड के लिए उसके लिए उसको बेस्ट विशेस देता हूँ। हम सब बहुत खुश हैं, और आहना स्कूल की स्टडीज़ में अच्छी रहने वाली और बिहेव में बहुत अच्छी लड़की है, और हम सब इसलिए भगवान से दुआ करते हैं कि आहना स्कूल का नाम रोशन करे और जीत के आए। अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा थैंक करती हूँ, स्पेशली अपनी मदर का, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया डांस में, एंड उन्होंने सब कुछ किया है, अलॉन्ग विद माई दीदी जिन्होंने बहुत हेल्प की मेरी, मुझे डांस सिखाया, और मेरी मामा का। तो मैं अपने फादर का भी बहुत थैंक करती हूँ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया डांस के लिए, तो थैंक यू ऑल। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं अनिशा वर्मा, ना की मदर। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी केके एथलीट के 4 राउंड क्लियर करके अब फाइनल राउंड में पहुंच गई है। इसे बचपन से ही डांस का बहुत शौक था। ये 2.5 ईयर में पहली बार इसने स्टेज पे परफॉर्म किया था छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में। तब से हमें लगा कि इसे डांस में इंटरेस्ट है, हमने इसको डांस क्लासेस भी ज्वाइन कराई, ये घर में भी डांस करती रहती है, जब भी फ्री टाइम होता है ये डांस ही करती है। हर स्कूल के हर एक फंक्शन में इसने पार्टिसिपेट किया, इसे स्कूल में हर चीज में पार्टिसिपेट करना बहुत पसंद है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एनुअल फंक्शन हो, कोई और भी एक्टिविटी हो। हमेशा ये पढ़ने में भी अच्छी रही है, स्कूल की टीचर की तरफ से भी हमें कभी कभी कोई कंप्लेंट नहीं आती। The lion roared, How dare you to ignore me? Do not you know I am the king? Rose started by the sudden roar. The chimpanzee thought on his feet and said proudly, I always keep king you like you in my hand. Do not, if you do not believe, see it yourself. Say so, the chimpanzee placed the mirror in front of the king lion's face. When the king lion's his own reflection, he mistook it for another lion and thought, this lion in the mirror seems to be very powerful. He might defeat me if I put up a fight. Talking no chance, he was. बस ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, ये कहीं भी मिक्स हो जाती है। हम हमेशा अपने हाफ ईयर में हमेशा ही जगह चेंज करनी पड़ती है, तो हमें कभी इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि इसे वहाँ मिक्स होने में दिक्कत हो रही हो, इसे स्टडी में प्रॉब्लम हो रही हो, या ऐसे जगह की नहीं, ये जहाँ जाती है वहाँ एकदम से मिक्स हो जाती है। अभी हमें यहाँ आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और अप्रैल में ही हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तब से इसने स्कूल में भी इसके अच्छा रिस्पांस रहा है। और केकेएचडी की टीम जब स्कूल में आई तब इसने मुझे बताया कि मम्मा मुझे वहाँ पार्टिसिपेट करना है, हमने इसका फुल सपोर्ट किया और इसको वहाँ ऑडिशन दिलवाया। उसके बाद ऑडिशन के बाद इसने मेगा राउंड, क्वार्टर फाइनल, सेमी फाइनल, 4 राउंड कंप्लीट करके अब ये फाइनल में पहुंच गई है। हमें इस पे बहुत गर्व है कि ये ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और हमेशा ही हमारा भी नाम रोशन करे। इसे हमेशा मिरर के आगे खड़े होके एक्टिविटीज करना बहुत अच्छा लगता है, ये कभी मेरी ड्रेस पहन के एक्टिविटी करती है, कभी मेकअप करके।
एक बार इसने इरेजर से, पापा के इरेजर से अपनी आईब्रो ही कट कर ली थी। इसे लगा कि वो शायद इसका कुछ यूज़ होता होगा, इसने उस ब्लेड को ही अपने आईब्रो पे चला के पूरी आईब्रो ही कट कर ली थी। इसे ब्लॉग्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। ये जब भी ट्रैवलिंग करते हैं हमेशा ब्लॉग्स बनाती है। इसे अपनी कज़न सिस्टर के साथ ब्लॉग बनाना, तरह तरह के डांस करना, उनके साथ एक्टिविटीज़ करना, मूवीज़ देखना हॉरर, और जगह जगह पे घूमने जाना, न्यू ड्रेसेस ट्राई करना मॉल में जाके, और खाली फ्री टाइम में भी ये डांस करती है, अपनी छोटी बहन के साथ ड्राइंग करती रहती है। इसकी हमें कभी कोई शिकायत नहीं आती कि ये हमें, जैसे ये फ्री नहीं रहती है, ये हमेशा ही किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व रहती है। हम कई बार इसे बोलते हैं कि दोपहर में रेस्ट कर लो स्कूल का, ये रेस्ट करने के बजाय कोई ना कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती है। खाने पीने की ये बहुत बड़ी शौकीन है। इसे फास्ट फूड और तरह तरह के व्यंजन चाहिए होते हैं। ये सिंपल रोटी में इंटरेस्टेड नहीं है। ये हमेशा ही कोई नया चीज़, एक्सपेरिमेंट कोई भी हो, उसे बाहर जाके पिज़्ज़ा बर्गर ये सब बहुत पसंद है। यह हमेशा ही उसके लिए हमेशा रेडी रहती है। मेरी तरफ से और इसके पापा की तरफ से इसे बहुत सारी बेस्ट विशेज हैं कि ये आगे जाए और फाइनल जीते और भी हमारा और पूरे घर का नाम रोशन करे। KKHD की हमें ये बात बहुत अच्छी लगी कि ये जगह जगह गाँव में आके बच्चों का टैलेंट देखते हैं। बच्चों को, कई बच्चों को अपने घर से बाहर जाके अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता है। KKHD ऐसा है कि जैसे छोटे छोटे गांव के स्कूल्स में, इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ये जाती है। इसके साथ के मेरे और भी कंटेस्टेंट थे, उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से थे वो बच्चे जो बहुत गरीब घर के थे। मुझे उनका जो अरेंजमेंट है वो बहुत अच्छा लगा। वो मतलब भेदभाव नहीं करते हैं कि कौन सा बच्चा है, चाहे वो गरीब है या गवर्नमेंट स्कूल का है, प्राइवेट स्कूल का है या कोई नहीं, वो सबको इक्वल लेके चलते हैं। इक्वल ही उनके परफॉर्म होगा, इक्वल ही उनको जज करते हैं। और आराम बच्चों, हर बच्चे को बहुत अच्छे से मोटिवेट करके, कि जैसे कोई बच्चा कई बार नर्वस हो जाता है, वो पहले बच्चे को अच्छे से मोटिवेट कर देते हैं कि नहीं, बच्चा स्टेज पे जाके घबराए नहीं, जो उसने तैयारी की है वो अच्छे से उसे वहाँ परफॉर्म करे। Interest in drawing also. My mother's name is Mrs. Anisha Verma, my father's name is Mr. Vishnu Verma, and my sister's name is Anvi Verma. I am 11 years old. My first performance was when I was 2.5 years old. मुझे free time में अपनी sister के साथ खेलना, बातें करना, TV देखना और drawing करना बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं, चलो खेलते हैं। ये मेरी है। नहीं, मैं खेलूंगी। ठीक है, फिर तो ये खेल ले, मैं इस वाली गेम से खेल लूंगी। इससे मैं खेलूंगी, इस जॉल से मैं खेलूंगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। Thank you.
Myself, Jit Kumar Barma, recently retired as principal school cadet from district Una, permanent resident of village Lower Dengeda, district Una. My niece, Ahana Barma, is participating in this event. It is a matter of great prayer to the family for this activity and the team. I heartily thanks the team for providing opportunity. मेरा नाम परवीन लता है। ये मेरे छोटे देवर की बेटी आहना वर्मा, जिसने बड़े अच्छे ढंग से पार्टिसिपेट किया। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये आगे जाए। I think he is good at studies along with extracurricular activities. I really thank school teacher, the school environment who excelled her in progressing in this type of event and create interest. Really, it is a matter of great pleasure for us as well as the institution where he is studying at present. She has selected one of his hobbies, dancing. Dancing is her best option, I think. Very polite, very adjustable. Adjustable. इसको कह सकते हैं कि हर एक जगह सेट होने का। अभी recently इन्होंने जहाँ स्कूल में एडमिशन लिया है और एकदम जो कॉप अप है उस स्कूल ऊना का जो है उसको इन्होंने मैच कर लिया अपने आप में। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर अस बी फैमिली। आई always wish from the Almighty excellence, and she must go there where he has targeted for her life. साथ में मेरी कुछ और हॉबीज भी हैं, जैसे बैडमिंटन खेलना। Skating and cycling. मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा फ्री टाइम में अपनी सिस्टर के साथ और अपनी मम्मा के साथ बातें करके लगता है। नमस्कार, मेरा नाम आंचल वर्मा है और आहना वर्मा मेरे चाचू की बेटी है और मैं इसकी बड़ी दीदी। तो इसको शुरू से ही बड़ा चाव था छोटी छोटी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का, एकेडमिक्स के अलावा और भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट करना, जैसे स्केटिंग, स्विमिंग। हमेशा ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने में इसे बड़ी खुशी मिलती है। और इसके फादर, मदर और हम सब ने जॉइंट फैमिली में रहते हैं। इसको हमेशा ही अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ नया सीखने का, करने का। अलग अलग जगह में रहने से इसको ये काफ़ी फ़ायदा मिला है, बड़ा कुछ सीखा है इसने। और हम सब बहुत खुश हैं कि KKHD ने इसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर ये अपना टैलेंट शो कर सकती है। और थैंक यू KKHD इसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए जो कि ये सबको बता पाए। आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर, ताकि ये हो सके। हमें तो यही होप है कि ये जीते, इस कॉम्पिटिशन को जीते। विश हर ऑल द बेस्ट।
मेरे पापा CRPF में सब इंस्पेक्टर हैं, मेरी मम्मा हाउसवाइफ है और मेरी सिस्टर स्कूल में पढ़ती है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने 4 राउंड क्लियर किए अपने बेसिस पे एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने इतनी मेहनत की एंड वो कुछ हो रहा है उस मेहनत का। तो अभी मैं लास्ट फाइनल राउंड पे हूँ एंड लेट्स सी कि इस बार क्या रिजल्ट रहता है। एंड मुझे KKHD के बारे में हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर ने बताया, अनाउंसमेंट की कि कुछ फॉर्म्स हैं उन्हें आप फिल करो। एंड जब हमने वो फॉर्म फिल किए तो उन्होंने हमें बोला कि एक ऐसा करके KKHD करके एक शो है किसमें कितना है दम, तो उस शो में आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वो जा सकता है। उसमें से मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने ऑडिशन क्लियर किया, मेगा ऑडिशन क्लियर किया, सेमीफाइनल क्लियर किया एंड मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि फाइनल में क्या होगा। मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ कि फाइनल में क्या होता है एंड लेट्स सी कि लास्ट में क्या होता है। माय एम इज़ टू बी लाइक माय फादर, टू क्रैक द टेस्ट ऑफ AC असिस्टेंट कमांडेंट एंड मुझे उसके लिए पूरी जी जान लगानी है, टेस्ट क्रैक करना है एंड AC बनना है। ने मैं सबसे पहले 2.5 ईयर्स में एक परफॉर्मेंस दी थी जो ग्रुप परफॉर्मेंस थी। देन एनुअल फंक्शंस में भी मैंने कई बार सोलो डांस किया है, एक्ट किए हैं जिनमें मुझे मोमेंटोस एंड मेडल्स भी मिले हुए हैं। मुझे स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे मेडल मिले हैं, मुझे सिल्वर मेडल मिला है 3 लेग रेस में एंड कबड्डी में मुझे गोल्ड मेडल मिला है, मैं उस टीम की कैप्टन थी। एंड टग ऑफ वॉर में भी मुझे गोल्ड मेडल मिला है। डांसिंग में मुझे 2 मोमेंटो मिले, एक स्कूल की साइड से और एक ऐसे ही एक फंक्शन की साइड से। सबसे पहले थैंक करना चाहूँगी वरुण सर का एंड पूरी KKHD की टीम का जिन्होंने मुझे मौका दिया मेरा टैलेंट दिखाने का डांस का। वहाँ और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें हम अपना टैलेंट शो कर सकते हैं, बट मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट डांसिंग में था एंड थैंक यू ऑल फॉर दैट कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना टैलेंट आप सबको दिखाऊँ। थैंक यू KKHD।